एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घूमने ले जाता है, उसके बाद बारिश होने लगती है। जरा सोचिए उसके बाद क्या हुआ होगा, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। नहीं पता, उस लड़के का मेकअप उतर जाता है और लड़का डर के भाग जाता है। पापा मैं भी जाऊंगा। जिधर तू इधर रहेगा? नहीं पापा मैं भी जाऊंगा। बेटे तुम यही रहोगे? नहीं पापा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं तुम यही रहोगे? नहीं पापा मैं भी जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो क्या नैना, तो मैं टट्टी निकल जाएगी। आय हाय का चाल और बाबा क्या माल है। देखिए मैडम, आपके घर में बाप भाई नहीं है? नहीं है रे, सही लगता तो तोरा छेड़ रहे हैं पापा। इस घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। अरे चुप, अगर एक भी शब्द बाहर निकाला ना तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। जगने दो अपने अंदर के जानवर को, चूहे से भी भला कोई डरता है। ए भाई पटाके देना। पटाके? हाँ पटाके देना। किसको पटाके दूं? मेरे को पटाके देना। इस उम्र में आपसे कौन पटेगी अंकल? अबे फूटने वाले पटाके जब पटने वाले नहीं। पता नहीं यार, कुछ औरतें ना अपनी पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। हाँ यार मेरा पति तो फिर भी निखट्टू है, कुछ काम धंधा नहीं करता, घुमाने नहीं लेके जाता, हफ्ते कभी हाथ तक नहीं धोता, तब भी मैं कभी बुराई नहीं करती उसकी। हाँ सो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? नो। वाई? बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी टेकन। टेकन? या यानी कि आपका बॉयफ्रेंड है? जी है ना। हाँ? कोई लक्ष्य भेज दो ना, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अच्छा नहीं चाहिए। ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है, हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा निकल यहाँ से। हेलो दामाद जी, मैंने आपको ना हीरे जैसी करोड़ों की बेटी दी है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ वापस कितने में लोगे। हेलो 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 दामाद जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही दामाद जी। बेबी तुम ना कभी इस दुनिया में अपने आप को अकेला मत समझना, ठीक है जानू? कभी मत समझना। मत समझना? अरे नहीं समझूंगा, पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी तरह हरामी भरे पड़े हैं। जानू सब कहते हैं कि लव मैरिज में तलाक ज्यादा होते हैं और अरेंज मैरिज में कम, सही है क्या? सही बात तो है यार, क्योंकि जो लोग अपनी मर्जी से शादी तक नहीं कर पाते वो तलाक क्या खाक करेंगे। Now what's happened there is this call. It's not just sweet to get underway. Oh, he's caught. He's caught, but then. कबाड़ ने जे तू भी ऐसे मैं भी कबाड़ी, मैं पैंट कोट ले लूंगा तेनू ले दूं साड़ी, मोटी मोटी बन जूगी अपनी दिहाड़ी, मैं रेड़ी नू चलाऊंगा तू पीछे धक्का लाई, आ जा आ जा आ जा 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 दिल्लीए दी दूज जिथे होवे कूड़ा किन्ना वड़ा। हेलो जी, क्या कर रहे हो आप? मैं ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ यार, तुम क्या कर रही हो? ओ अच्छा, मैं मैकडोनल्ड्स में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है। तो सारे देख रहे थे, मैं झांक रहा था, मैं देख ही नहीं पा रहा था, तो मैंने सबसे बोल दिया कि अरे हट जाओ ये मेरे पापा हैं। तो सारे हट गए, जब भीड़ हटी ना तो मैंने देखा तो एक कुत्ता मरा पड़ा था। मम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ। तूने पी रखी है क्या? हाँ क्यों? क्योंकि तू लड़का है साले। अरे हाँ मैं तो लड़का हूँ। एडी सोनी तो तू ऐनक लाई, ये ऐनक नजर दी है? नजर साला लगता मेरी अपनी है।
अरे बताना बताना। अरे नहीं नहीं मैं नहीं। बताना बताना। नहीं मैं नहीं। अरे हाँ बताना। अरे क्या बताऊं? नहीं क्या बताऊं? यही कि मेरे सारे सपने टूट गए। प्राइमरी स्कूल में जब पहली बार धूम देखी थी ना, तब से सपना था मेरा कि अपने चोर बॉयफ्रेंड की स्पोर्ट्स बाइक पे ऐसे चिपक के बैठूंगी कि मोहल्ले की चार आंटियां बोले देखो लड़की तो हाथ से निकल गई। वैसे भैया तुम्हारा नाम कुछ ऐसे ही रहे ना मैचिंग मैचिंग। क्या नाम रहे? हमारा नाम है अरे हाँ रामधुन्नी। नहीं भैया रामधुन्नी नहीं रामधुन्नी ना। गुरुजी ये मेरी बहन है, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये आपके लिए गाना गाना चाहती है। पहला जवाब तेरे जलवे हजार, तेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। वो जो बोलते थे डैडी की प्रिंसेसों में, वो जो बोलते थे डैडी की प्रिंसेसों में, कब अम्मा हो गए देखते देखते कब अम्मा। आज का ताजा खबर, सोने में आई भारी गिरावट। पहले लोग 10 घंटे सोते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप और जियो के आने से सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। I'm hurting, baby. I'm suffering. I'm crazy, love it, love it. I need it. I'm loving, don't you? के में कर दोगे जनाब? नौकरी मैं सरकार दी करदा, छोटी नहीं करदा हैगा। और तुसी मेरे सीनियर मुलाजम आ, तां थोड़ी मैं रिस्पेक्ट जी करदा, नहीं तां मैं थोड़े हड़बां ते भी मारनी सी। आ जेड़ा तू बकवास कीता ना, तैनू मैं दस दंदा कि मैं बकवास करीदा। एक बारी मैनू दस दे बस हड़बां की हुंदी है। और तुसी पुछ के अंब लेने जनाब, अपनी वर्दी धो के रखिया करो, पता नहीं किन्ने दिनां दी धोई नहीं। भोला का बताओ 5 के आगे क्या होता है? 6 7। अरे वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और उसके आगे बताओ? 8 9 10। अरे वाह वेरी वर्कआउट तो हो गया यार, अब बॉडी किसको दिखाऊं? अरे अदनान भाई तुमने वो वाली मूवी देखी जो कल रिलीज हुई है? बॉडी दिखाने की निंजा टेक्निक। अच्छा वो जिसमें वो रोमांटिक सीन है जब गुंडे हीरो के पेट में चाकू मार देते हैं? यार मूवी का एंड देख के मेरा दिल ही टूट गया। जीजू एक रसगुल्ला। गरीब लोग बोलते हैं रसगुल्ला, ये लोग बोलती रसगुल्ला। एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैं इतने दिन मैं अपने पियर ताई सू, तू मैंने देख के इतना असन कहते लग रहा है। अरे बुजुर्गों ने कया से, अगर जब भी कोई मुसीबत आवे उसका सामना हंसते हुए करना चाहिए। किसने लाया इंजेक्शन तेरा? ने कितना लाया? सुसु पर ला दिया। हाँ दिया। फिर तो रोया था? हाँ जी। किस तरह? क्या हुआ डैड, आप भूत में बिलीव करते हो? ना भूत भूत कुछ नहीं होता, लेकिन किचन मेरी काम वाली है, वो कह रही है घर में भूत है। बेटा सामान बांध ले। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई काम वाली नहीं है बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त ब्लू एरिया आया हूँ और मैं आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने लगा हूँ। आज हफ्ता है, छुट्टी है, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। आज डॉलर नीचे आ गया है, इसका प्रूफ मैं अभी आपको देता हूँ। ये देखें डॉलर नीचे आ गया। मैनू तो हुण पता लग गया नी तेरी कख पत्थर दी है। ना ते मेरे नाल ब्याह कराया था मेरी अख नाल। मैं ब्याह कराया, मेरे पैसे लगे ने, मैनू समान पूरा चाहिदा है। मैनू अच्छा एक सवाल करना है आपसे, एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है, उसको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या गिफ्ट दूँ? लड़की दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ देना चाहता है? हाँ मेरा नंबर दे। और मोटी क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस टाइम पास चल रहा है। पता जिससे भी तेरी शादी होगी ना उसका बड़ा नाम होगा। क्यों? जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी।
अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि मार बच्चे में से किसी एक को बचाना, तो किसको बचाऊं? बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। पागल आदमी, तो बच्चे को बचाना, माँ को बचा, मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा। सलाम अलैकुम। वाले सलाम। सलाम अलैकुम। वाले सलाम। सलाम अलैकुम। मैं चेक कर रही थी, हिंदू तो नहीं हूँ। कौन है आप? मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ, पंजाबी फिल्मों में डांस करती। ससुराल के दो मतलब होते हैं, लड़के के लिए ससुराल एक गवर्नमेंट जॉब होती है, जब वो ससुराल जाता है तब 10 लोग उसके अवगत के लिए लगे रहते हैं, लेकिन लड़की के लिए ससुराल एक प्राइवेट जॉब होता है, वो किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, उसके टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते हैं। क्या बात है, घर पूरा चमक रहा है आज, और अभी तक सफाई भी चल रही है, लगता है तेरा फेसबुक व्हाट्सएप बंद है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ फिर वो क्या है ना, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, चार्जर भी गुम हो गया था। हाँ फिर चार्जर को ढूंढते। जी डॉक्टर साहब, हुक्म। आज ना सूट देख गए जी, वो कपड़ा थोड़ गया सी, उसकी जगह ते ना मैं एक और कपड़ा लाता। लाता? हाँ जी लाता। अच्छा। हाँ जी, मेरे वाल साहब की एक धोती पई सी पुरानी, वो पाड़ के मैं कालर ओदी बढ़ाती है। लाख दी लानत। लक्ष्मी वो कोने में भी लगा लेना। 2 लाख लूंगी। क्या? और वो बिस्तर के नीचे के 2 लाख अलग से, पर्दे के पीछे के 3 लाख, या अलमारी के पीछे के तो 4 लाख लूंगी। टोटल हुआ सारे कोनों का 11 लाख। सठा गई है तू। अरे आइए मैडम, बताइए आपको कैसी ड्रेस दिखाए। भैया मुझे ना ऐसी ड्रेस दिखाओ जिसे देखकर मेरी देवरानी, जेठानी और नंद तीनों जल जाएं। और हाँ, उस ड्रेस को पहन के मैं एकदम कैटरीना कैफ लग। अरे गलू, आए शादी के बाद आदमी क्या बन जाता है? अरे विद्यार्थी बन जाता है। वो विद्यार्थी बन जाता है वो कैसे? अरे बीवी सोचती है कि माँ सिखा रही है। हाँ। और माँ सोचती है कि बीवी सिखा रही है।